ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99.9% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਰਸੋਂ ਆ ਸਰ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕਾਲ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਟਿਪਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਓ इस तरह दी चीज़ आप करते हैं बट क्वेश्चन यह आ कि 6-6 महीने की प्रैपरेशन तो बाद 4-4 महीने सेंटर पढ़न तो बाद इन फीसा देने तो बाद भी तुहाडे दिमाग दे विच डाउट क्यों आ कि पढ़ाने वाले दे विच कमी है कि तुहाडे अपने विच कमी है ज़्यादातर प्रॉब्लम होंदी है कि तुहाडे अपने विच कमी होंदी है वह क्यों क्योंकि सेंटर वाले ने तो अपने दिमाग च मिथ बिठा देने उन्होंने जिहड़ियां तुहानू चीज़ां सिखा देनियां तुसीं ब्लाइंडली फॉलो करना तुसीं अपना दिमाग नहीं यूज करना फिर तुहाडे दिमाग दे विच डर पैदा हुंदा है फिर असीं सोचदे सर मैं नहीं टैस्ट दे सकदा सर मैं 2 वारी टैस्ट दे लिया सर मेरे घर दे कहिंदे मैं नहीं हुण टैस्ट होना इस तरह तुहाडियां फोन कॉल्स मैनूं आउंदियां ते इहदे जिम्मेवार तुसीं हो मेरी गल तां गुस्सा ना करिओ बट इह रियलिटी हैगी कि नहीं मैनूं कमेंट च जरूर दस्सिओ सो जेकर तुहानूं इस तरह डर लगदा है इह डर तुहाडा इस वीडियो नूं वेखण तों बाद सारा दूर हो जाऊगा ते मैं तुहानूं आए दिन रिजल्ट भी शो करदा हुंदा सिर्फ गल्लां नहीं करदा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਇਲਸ ਜਰਨੀ 46 YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 47,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ 47,000 ਆਪਣੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਊਅਰ ਹੋ ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਅ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਵੀਡੀਓ स्टूडेंट मैं अक्सर ही पूछते हैं सर की असं आयल्स एग्जाम की प्रैपरेशन घर बैठ के कर सकते हैं कि यह पॉसीबल है ये सच है दैन मैं पूछना ना कि क्यों नहीं कर सकते कि आयल्स एग्जाम का कोई सिलेबस आ घर बैठ के तुम जरूर कर सकते हो मैं ये रिलेटड पता नहीं किनिया वीडियोज बनाई पर तुम देखते नहीं हो हूँ यह ना हो कि आह वीडियो बंद करके उन्होंने वेखन लग पे पहले इन पूरा एंड तक वेख लो सो इस वीडियो के मैं तुम्हें यह दसूंगा कि कड़िया बेवकूफिया असं करते हैं ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਹੁਣ YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲ ਆ ਹੁਣ YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟ 18th of December ਕੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਆ तो फिर जो पेपर से कोई टॉपिक होर आ जाता है वो चैनल वाला व्यू लैके कई होर बने चल जाता है उन्हें पैसे कमा लिए चैनल तो थोड़ा बेड़ा गर्क हो गया पंजाबी का वर्ड बहुत डूंगा वर्ड है बेड़ा गर्क मैं कहना नहीं चाहता बट होंदा कि नहीं होंदा मैं दस दौ तो कर दे फॉलो उन्होंने मैं नहीं कहता कि उस चीज़ लैके मैं कोई जैलसी आ करो बट ब्लाइंड फेथ किसी ते ना करो प्रेडिक्शंस सही नहीं होंदियां जे 100 दे विचों एक वारी तुक्का लग भी गया तो कोई फायदा नहीं उन्हें चीका मार मार के दसना है तुहानू चैनल वाले ने कि वेखो असी क्या सीगा आया कि नहीं साडे रिलेटेड टॉपिक्स साडे चैनल नू फॉलो करो मैं इस तरह दी चीज़ां तो बिल्कुल दूर है मेरे चैनल ते एक वीडियो दस दो जे मैं तुहानू प्रेडिक्शन दी दित्ती होवे ते मैं कहना मेहनत करो लॉजिक सीखो क्वेश्चन टाइप ते फोकस करो आइडियाज़ बनाओ कि सानू ऐसे लिखण वास्ते 3-3 आइडिया चाहिए या 5-5 आइडिया चाहिए आ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਟ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ PDF ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ
बहुत बच्चे मैनूं स्पीकिंग क्यू कार्ड सुनाउंदे आ, पहिलियां दो तीन लाइनां तो स्टूडेंट जज हो जांदा कि यह बच्चा अपने आप तो बोल रहा, यह नैचुरल बोल रहा, यह नैचुरल बोलता पिया वा कि यह कॉपी पेस्ट कर रहा। तो 100 दे विचों 95% कॉपी पेस्ट ही है। कईयों नूं ऐ लगदा मैं बहुत फास्ट बोलूंगा तो मेरे बैंड स्कोर आ जाएंगे, नहीं आने। सो करिए तो करिए कि साढ़े दिमाग च डर आ, असी प्रैपरेशन करिए किस तरह, तुसी दस दो। तो स्टैप नंबर वन ध्यान ना सुनी जायो, दिमाग ते बर्डन भी नहीं आऊगा ते एग्जाम दी प्रैपरेशन तुसी बिना स्ट्रैस ले कर लोगे। अपना टाइम टेबल बनाओ, जे वीक तो वीक स्टूडेंट भी है ना, 3 महीने पढ़ाई करने की लड़ है, सिर्फ आइल्स नूं क्लीयर कर लगे, सानूं साल साल पढ़न की लड़ नहीं है, सानूं आइल्स नूं डिग्री बनाने की लड़ नहीं है। एक टाइम टेबल बना लो, एक टाइम टेबल बना लो कि हफ्ते दे विच 3 दिन डिवाइड कर लो, सोमवार मंगलवार बुधवार 2 लिसनिंग 2 स्पीकिंग अपनी खुद रिकॉर्ड करो। लिसनिंग दे पहला आंसर्स लिख लो, फिर दूसरी लिसनिंग नूं एज अ टेस्ट करो। पहली करन दा तरीका इह होजूगा, जे मतलब आंसर लिख ले तुहानूं पता लग जूगा कि वह आंसर घुमा के किस तरह बोलते हैं। सैकेंड लिसनिंग करोगे तुसीं इंप्रूवमेंट खुद वेखोगे, स्टार्टिंग च नहीं होगी बट इंप्रूवमेंट होगी। तो दूसरा की करना है, स्पीकिंग क्यू कार्ड दो, पास्ट का या फ्यूचर का कोई भी रिकॉर्ड करो। तुहानूं टाइम मैनेजमेंट का पता लग जूगा कि मैं 2 मिनट लगातार बोलता पिया, क्योंकि ऑडियो क्लिप 2 मिनट की रिकॉर्ड हो जूगी, थले टाइमिंग पता लग जाती है, साउंड रिकॉर्डर हरेक के मोबाइल फोन च। उस तो बाद वीरवार शुक्रवार तो शनिवार मेरिया राइटिंग वीडियोज़ वेखो, मैं हरेक टॉपिक के उत्ते किस तरह ऐसे नूं BP1 किस तरह डिजाइन करना, किस तरह इंट्रो लिखनी है, किस तरह कंकलूजन लिखना है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। तो बच्चे मैनू ऐसे भी सेंड करते, हुण एक चीज़ मैं इतने भी क्लीयर करदा कि ऐसे तुसीं मैनू सेंड कर देते, जे मैं कोई स्टाफ नहीं रखा, मैं कल्ला बंदा हाँ, मैनू 100 ऐसे आ जाएंगे तो मैं चैक कर लगे तो मैनू टाइम लगेगा ना, कईयों का चैक नहीं भी हो पाता। बट कई बच्चे इस तरह के भी है जिन्हें चैक कराए बिना फाइनल एग्जाम च स्कोर ले लिया। सो तुसीं ये चीज़ वेखनी कि जिस तरह मैं तुहानूं सिखा रहा तुसीं उस तरीके ना अपना ऐसे लिखते पे जे, जे तो लिखते पे दैट मीनस यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है जी, फिर तो तुहाडी राइटिंग भी इंप्रूव हो जूगी। उस तो बाद अपने ऐसे नूं लिखण तो पहला प्लैन करो। कई बच्चे की होंगे एक आइडिया दिमाग च आया, चल लिखना शुरू करता, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 ते जाके ब्रेक लग जाती, फिर ऐ लगता नहीं है मैं सारा ऐसे गलत लिख लिया। हुण मैं टाइम टेबल भी दसता, गलतियां भी दसतियां। ठीक है, उस तो बाद आ जाओ जी लास्ट अपना मॉड्यूल रह गया रीडिंग। सर रीडिंग का पंगा आ, रीडिंग नहीं सॉल्व होंदी, इत्ते कोई टिप्स दो, सॉल्व करिए किस तरह। मैं तो 40 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट करता है, इतने तो तुम बेवकूफी करते जी। अज तुम घर बैठ के प्रैपरेशन स्टार्ट की है, तुम अज सोचा कि मैं रनिंग करनी स्टार्ट करनी है तो मैं पहलियों के ही पूरी स्पीड से भजा, नहीं भज सकते, क्रैम्प आजूगा, फिर बह जाओगे 10-15 दिन। आप रनिंग करने की कोशिश करते हैं कि पहले दिन के सारिया टिप्स फॉलो करके एको दिन जान ला दें, 40 दे विचों 35 सही हो जाते, परसों मैं एग्जाम भर दा, नहीं होना। ये सिर्फ स्ट्रैस बढ़ना है, रीडिंग करने का तरीका होंगे है, कोई नहीं तुहाडे पिछे पिया कि 3 दे 3 पैसेज करो। फाइनल एग्जाम च करने अटैम्प्ट, मैं मानता इस चीज़ को, मैं पता नहीं कितनी बारी एक्सप्लेन किया, बट दिमाग ठंडा होना चाहिए। रीडिंग वेख के पहले आप मोटे सुट लेने अपने एटीट्यूड वेखो अपना रीडिंग में लैके। टिप्स वाधू पई हैं, भरी पई यूट्यूब, मेरे चैनल में छोड़ो होर यूट्यूब चैनल में पता नहीं कितनियां वीडियोज़ पाइया, तो वेखते जे फिर सारे 40 दे 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले बने पैंदे ने। जिस तरह तुहानूं दस्सिया गया कि पहला पैसे सौखा आया, दूसरा औखा आया, तीसरा तो बहुत ही ज़्यादा औखा आया, किन्हें क्या आया, ये फैलाई गई है ना चीज़, तो इन्हां रूल्स नूं आपां नूं तोड़ना पैना है, ब्रेक करना पैना है। तुहाडे क्वेश्चन टाइप तुहाडी चॉइस आ, जे तुहानूं ब्लैंक छेती लभ जांदी है पहला ब्लैंक्स कर लो, चाहे वह थर्ड पैसेज या सैकेंड पैसेज आ, ये दिमागी सोच है। जदों आंसर लभने शुरू हो जाते हैं फिर अपना कॉन्फिडेंस लैवल बूस्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन नहीं लगता पाया, टाइम वेस्ट ना करो, अगला क्वेश्चन फड़ लो, अगला भी नहीं लगता तीसरा फड़ लो, बट एक क्वेश्चन ते 15-15 मिनट 20-20 मिनट बर्बाद करोगे, फिर असी कहने साडा टाइम नहीं मैनेज होंदा, उहदे विच फिर कोई टीचर भी की कर लूगा। अक्सर तो तुसीं फाइनल पेपर चा बैठना है ना, तुसीं एग्जाम देना है, तुहाडे लागे किसी टीचर ने तो बैठना नहीं। सो इस करके थोड़ा सुहिरद दिमाग दे नाल पढ़ो, जिस तरह तुहानूं मैं डिवाइड करके पढ़ना सिखाया, डिवाइड करो मॉड्यूल्स नूं, डे वंडो, स्टार्टिंग दे विच इस तरह करो, फिर एक दिन दे विच चारे चारे मॉड्यूल लैके चलो। आइल्स एग्जाम तुहाडे लई बहुत ईजी हो जूगा।
तो मैं उम्मीद है कि जिस तरह मैं तुम्हें समझाया तो सारी चीज़ फॉलो की होगी। जो नहीं पता लगा दोबारा वीडियो रिमाइंड करके वेख लो, किसी सेंटर के पिछे लगन की लड़ नहीं है, प्रडिक्शन वेखन की लड़ नहीं है। तो बेस्ट पार्ट, मोगे टैसट भरना बैंड नहीं जाते कि मैं मोगे टैसट भर लिया तो मेरे बैंड आ जाएंगे, मैं जलंधर टैसट भर लिया मेरे फलाने दोस्त राम शाम मोनू सोनू ने टैसट भरया तो मेरे बैंड आ गए। इस तरह बैंड नहीं आने। तुहानू की लगता जलंधर जिहड़ा स्टाफ बिठाते अनपढ़ स्टाफ बैठा होया उन्हां दा, तुहानू की लगता मोगे जिहड़ा स्टाफ बैठा अनपढ़ स्टाफ बिठाते उत्थे कि तुसीं बड़ा स्लैंग यूज करोगे तो तुहाडे बैंड आ जाएंगे? नहीं, इस तरह नहीं होना। जे तैयारी की है भावें जिथे तुसीं रह रहे हो नियर बाय जिथे भी टैसट भरोगे जिहड़ा तुहानू नियर बाय सिटी टाउन जो भी पैंदा है उत्थे भी बैंड आ सकते हैं। एक पेपर इंडिया च रिलीज हुंदा सारे कितें, भावें तुसीं बॉम्बे बह के पेपर दे दो पेपर एक ही आना है। सो इस तरह दीआं गलत फहमियां तों दूर रहो। मैं वीडियो बहुत कलैरिटी दे नाल बनाउंदा तुहाडे लई, ठेठ पंजाबी च बनाउंदा तां जो मेरी पंजाबी ऑडियंस जिहड़े चारे प्लस टू करके बैठे आ जिन्हां नूं कोई भी टीचर सिर्फ अपना स्लैंग जिहा मार के चल जांदे आ कि इंग्लिश दे विच गाइज यू नो इस बार एग्जाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है, मैं कभी इस तरह नहीं किया। मैं गल करदा हुंदा सीधी, जे ते इन्हां चीज़ां तों दूर रहोगे, प्रडिक्शन तों दूर रहोगे, अपने दिमाग नूं सही रख के तैयारी करोगे, जिस तरह मैं तुहानूं दस रहा वैसे मैं तुहानूं एक्टिंग करके भी उन्हें दस्सिया करदे इसे तरह ही आं, करदे कि नहीं करदे, ठीक है। सो इस करके अपनी प्रैपरेशन ते ज़्यादा फोकस रखो, करना किवें सारा कुछ दसदा मैं तुहानूं। ये ना सोचा करो मेरी राइटिंग सर ने चैक नहीं की, वो वीडियो कुछ होर कहें राइटिंग चैक नहीं करते। मेरे को यार बहुत ऐसे है, जेकर जिस तरह मैं वीडियो बना जिस तरह मैं वीडियो बना समझा तो वह पैटर्न फॉलो कर लो तो फाइनल स्कोर आ जाएंगे। यार मैं तो रिजल्ट भी तुम्हें शो करता रहना, लास्ट वीडियो मैं तुम्हें रिजल्ट शो किया है, आ स्क्रीनशॉट वेख लो, सैवन बैंड आए बच्चे के, तो उन्हें वीडियोज वेखी उन्हें बेचारे ने कई राइटिंग सेंड की मेरे को चैक नहीं हो पाई। ऑल्सो ह्यूमन बींग सर, मैं तो कोई कंप्यूटर मशीन है नहीं कि मैं ऐसे आया तो जस्ट तुहानू बैंड स्कोर दे दूंगा, ठीक है। सो इस तरह करके जिहड़े हेट करदे उन्हां लई बिल्कुल ही वीडियो नहीं है, जिहड़े विचारे करना चाहुंदे आईएलएस एग्जाम क्लीयर करना चाहुंदे उन्हां लई वीडियो, इस तरह के कंटेंट मैं लैके आना रहना है। सो प्लीज़ चैनल नूं जरूर सपोर्ट करो, इहदे नाल मैनूं मोटीवेशन मिलती है, शेयर करो कमेंट करो, तो इस तरीके अज तो प्रैपरेशन करनी स्टार्ट कर दो। सो जिहड़ियां मैं तुहानूं वहम भरम तो दूर रहने गल्लां दस्सियां ना इन्हां नूं जरूर फॉलो करो, रिजल्ट मिल जूगा। मिलते हैं नैक्सट वीडियो, सत श्री अकाल।